सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप जो है मैथ्स और बायो ग्रुप में पहुंच चुके हैं। कंबाइंड टेस्ट नंबर 19 यूपी कैडेट 2023 के लिए है, पीसीएम पीसीबी ग्रुप के लिए। ये आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैथ्स और बायो ग्रुप के विद्यार्थी जो है टेस्ट दे रहे हैं, पीसीएम और पीसीबी के हैं। टोटल जो सवाल है यहाँ पर 200 सवाल है और टोटल मार्क्स जो है 600 है। उसी तरीके से जैसे एग्रीकल्चर वालों का जो है 200 क्वेश्चन का टेस्ट हो रहा है, उनका तो 26वां टेस्ट है और इन लोगों का टेस्ट नंबर 19 है। ये टेस्ट इनका कम इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका सिलेबस ज़्यादा है और सप्ताह में टेस्ट उतना कराया नहीं जा सकता है क्योंकि सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है, इस वजह से ये पीछे हैं। और बाकी जो है एग्रीकल्चर वालों का टेस्ट नंबर की संख्या जो है थोड़ी सी ज़्यादा है ना, फिर भी जो है कानपुर में सबसे ज़्यादा कंबाइंड टेस्ट कराने वाला एकमात्र संस्थान है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी। जो विद्यार्थी इस टेस्ट को मैथ्स और बायो ग्रुप से हैं, ये पूरे टेस्ट को सॉल्व कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि कम से कम 200 सवाल में से 120 सवाल 130 सवाल जो है इसी पेपर से ही रिपीट होगा, इससे बाहर आने वाला नहीं है। और बाकी जो है हर टेस्ट का रिजल्ट भी सुनाया जाता है। सभी लोग एक बार पेपर ऊपर कर लें, एक बार पेपर दिखा दें, नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे वीडियो को एडिट कर दिए जाते हैं, है ना। तो सभी लोग जो है पेपर दिखाएं और एक बार जब बोलेंगे टेस्ट नंबर कौन सा है, टेस्ट नंबर 19 है, तो लगातार टेस्ट हो रहा कि नहीं, क्लासेस पूरी हो रही ना, दोगुनी क्लास हो रही कि उतना ही हो रही, दोगुनी क्लास हो रही, चलिए बहुत अच्छी बात है, चार गुनी। तो बेटा जो है पेपर बायो ग्रुप है आपका, तो कितने सवाल हैं इस पेपर में, 200 सवाल है और एक सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट है पहले बताइए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जीएस। तो फिजिक्स के कितने सवाल हैं, 50, केमिस्ट्री के 50 और बायो 80 सर, और जीएस 20। तो इस पेपर में कुछ समझ में आ रहा, पूरा पढ़ाया हुआ है, तो कितने सवाल लगभग हो जाएंगे आपसे, 200 में से लमसम मेरे सर 120 हो चुके हैं बायोलॉजी के लेवल में और जीएस के लेवल में। बाकी जो है जीएस से के जो है इसमें क्या है, जो भी जीएस के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इनको उतने तो सवाल याद ही कर लो, है ना। बाकी जो है जीएस का तो कोई भरोसा ही नहीं है, जीएस के बारे में अभी जल्द ही वीडियो बनाएंगे, तो पहली बात तो हम जैसा बताएंगे वैसे विश्वविद्यालय से आप लोगों को पूछना पड़ेगा कि जीएस में आएगा क्या, उसमें थोड़ा सा आपको 1 तारीख के पहले 1 मार्च के पहले आपको एक्टिव होना पड़ेगा। जीएस का सिलेबस अगर पता चल जाए तो हम लोग उतना ही पढ़ लें तो 20 में 20 करके आएंगे, नहीं कर लेंगे, और पता लगा अगर जीएस के ही चक्कर में हम परेशान रहें तो बाकी विषय हमारे 0 हो जाएंगे। तो जीएस का सिलेबस विश्वविद्यालय को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बताना चाहिए ना। इसके लिए हम लोगों को जो है उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि जीएस का सिलेबस नया प्रोस्पेक्टस छपने के पहले, नोटिफिकेशन आने के पहले, 1 तारीख के पहले अगर हम लोग जो है एक्टिव हो जाएंगे तो जीएस का सिलेबस मिल सकता है, ठीक है। बाकी जितने सवाल आपको आते हैं उतना ही करिए, ठीक है, बैठिए। कौन सा ग्रुप, ये जो है आईसीआर पर आधारित है कि यूपी कैडेट पर है कि सीवीटी पर है, किस पर आधारित पेपर लिया जा रहा है, यूपी कैडेट। तो कितने घंटे का पेपर होता है यूपी कैडेट का, 3 घंटे का होता है। कितने सवाल आते हैं, 200, और 200 में से कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कितने कितने सवाल आते हैं, 50 फिजिक्स होते हैं, 50 केमिस्ट्री से, 80 मैथ्स से होते हैं। तो यहाँ संस्थान में व्यवस्थाएं कैसी चल रही, पढ़ाई ठीक हो रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, नो सर कोई दिक्कत नहीं। क्लासेस वगैरह कैसे कैसे क्या सिस्टम है क्लासेस, सर क्लासेस क्लासेस तो सर डबल डबल हो रही है, हम लोग की फिजिक्स की भी एक्स्ट्रा क्लास हो रही है। कितने बजे क्लास शुरू होती है,
सुबह 7 बजे क्लास शुरू होती है, फिर 2 बजे तक चलती है, फिर है। शाम को हम लोग की मैथ की 1.5 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लगती है। अपने आप बताओ, जो बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं तो उनको क्या बताओगे? मतलब शुरुआत हुआ था तो एग्ज़ाम जल्दी होने वाला था, तो सर को लगा सिलेबस अगर नहीं हो पाएगा, रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, तो मैथ की एक्स्ट्रा क्लास शाम को 1.5 घंटे की कर दी गई है। तो मैथ का सिलेबस जो है लगभग पूरा होने वाला है, सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं। उसके बाद होली के बाद हम लोग का सीधे रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हम लोग को मतलब सर अच्छे से पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। और बाकी जो है लगभग लगभग सिलेबस तो सभी सब्जेक्ट में लगभग सबका पूरा होने वाला है। अगर हम लोग 2 महीने पहले जो है कोर्स कवर कर ले रहे हैं तो हम लोग का सर रिवीजन रिवीजन के लिए अच्छा मिल जाएगा। जी सर। और जो बच्चे क्रैश कोर्स मैथ्स और बायो ग्रुप के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इधर उधर भटक जाते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे कि अनुभव तुमसे ज़्यादा अनुभव किसी को नहीं होगा। जी सर। कोई बच्चा आएगा तो 1-2 दिन 3 दिन डेमो लेगा, लेकिन आप इतने लगातार पूरे वर्ष से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको अच्छा बता सकते हैं, क्या बताना चाहोगे? यही कहना चाहिए, अगर अच्छी रैंक चाहते हैं सिर्फ क्रैश बैच में, मतलब थोड़े दिन पढ़ के अगर अच्छी सी रैंक चाहते हैं तो आपको सीधा यहीं आना है। पैसे के चक्कर में इधर उधर नहीं भटकना है कहीं भी, फीस के चक्कर में, क्योंकि सबसे अच्छा सेटिस्फेक्शन अगर मिलता है तो कहीं यहीं मिलता है सबसे अच्छे। जैसे बहुत सारे कोचिंग वाले मैथ ग्रुप बायो ग्रुप लिखे रहते हैं, लिखने को तो हर कोई सर लिख सकता है, पर इतनी फैकल्टी देना सबके बस का नहीं है। लेकिन अब ये जो बच्चे हैं इनको तो समझना पड़ेगा, लगातार हर संडे का जो टेस्ट होता है तो उसको वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल दिया जाता है, बाकी जो भी पढ़ाने वाले हैं वो सब लगातार पढ़ा भी रहे हैं यूट्यूब पर भी, तो वहाँ पर भी देखना ज़रूरी होता है जी सर। भाई किस लेवल के टीचर हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, है ना, तुलना तो भाई दो में होती है ना जी सर। तो बाकी को भी देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर भी आकर के देख सकते हैं, है ना। तो जो बच्चे, क्या तुम्हें लगता है जो बच्चे क्रैश कोर्स में आएंगे उनका रिवीजन ठीक से होगा? होगा, बहुत अच्छे से होगा, रिवीजन पूरा करा दिया जाएगा 2 महीने में, रिवीजन तो हो भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही तो कराया जा सकता है। अब पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आप पूरा प्रयास रहेगा जो क्रैश कोर्स के लिए आएंगे मैथ्स और बायो के, तो उनको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराया जाएगा जी सर। उसमें लाभ आप लोगों को भी मिलेगा, जैसे हम लोग को भी होगा उसमें लाभ, है ना, पढ़ चुके होंगे, हम लोग का रिवीजन हो जाएगा पूरा, के लिए जो है काफ़ी अच्छा रहेगा, शानदार रिजल्ट आएगा। और पूरा प्रयास है जो है मैथ्स और बायो ग्रुप, देखो कोई भी ग्रुप हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायो हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, सब पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और सभी बच्चों को, ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा किसी को कम, ऐसा नहीं है, बल्कि मैथ्स और बायो ग्रुप में ज़्यादा पढ़ाई हो रही है जी सर। 7 बजे से लेकर के 2 बजे तक पढ़ाई हो रही है और शाम को मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास हो रही है, 7:30 से चलती है। एक तरीके से मैथ्स और बायो ग्रुप पे पूरा फोकस किया गया जी सर, क्योंकि जो बच्चे मैथ्स और बायो में नहीं सेलेक्ट हो पाते थे, ठीक है, वो इस बार जो है पूरा हो जाएगा सपना सबका, क्योंकि जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसे जितने टेस्ट पेपर हैं इनको सबको स्पाइरल करा लो जी सर, और इनको एक बार फिर से रिपीट करो, सारे पेपर को फिर से रिवाइज कर लो, तो काफ़ी कुछ सिलेबस तैयार हो जाएगा इसी पेपर से जी सर, है ना। तो ठीक है, मेहनत करते रहिए, बाकी जो है हम तो बताते रहते हैं जो बच्चे मैथ्स और बायो के हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन के चक्कर में रहते हैं, अब जब सामने बच्चा बैठा होता चेहरा देख के पढ़ाते हैं, मैथ्स और बायो का ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो यहाँ पर ऑफलाइन मिलती हैं। एग्रीकल्चर का तो संभव है क्योंकि उसमें 1-2 लाइन की चीज़ें होती हैं, है ना। मैथ्स और बायो वालों को अगर वास्तव में सिलेक्शन लेना है, क्रैश कोर्स पर्याप्त समय, लगभग 3 महीने का समय है, ठीक है, पहले 1-1.5 महीना मिलता था तो नहीं हो पाता था, लेकिन अब जो है लगभग 3 महीने का समय है, तो आप बेहतरीन तैयारी करें आके ऑफलाइन। थोड़ा बहुत पैसा खर्च होगा खाने रहने में, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े। ऑनलाइन कोर्स जब यहाँ पर बुलाया जाता है सुबह से शाम तक, तब तो 1-2 बच्चे टाइमली आ नहीं पाते, सो जाते हैं, तो ऑनलाइन जो पढ़ेंगे तो ऑनलाइन से कुछ नहीं संभव है, समय वेस्ट करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। हमारे पास सारी व्यवस्था, हम ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो है हम आपको सही दिशा दे रहे हैं। अगर आप मैथ्स और बायो ग्रुप से हैं, अपने साल को बचाना चाहते हैं, तो आपको ज्वाइन करना होगा तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में ऑफलाइन बैच, और बाकी अगर एग्रीकल्चर से हैं तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ पर सिलेबस ज़्यादा टिपिकल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं, डेराइव भी करने पड़ते हैं, पता लगा जो ऑनलाइन में बच्चा बैठा उसको समझ में नहीं आ रहा, और यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे कई लोग ऐसे कानपुर के हैं जो 1,000-2,000 में कोर्स बेचे हुए हैं, है ना, और बबच्चे कोर्स तो ले लेते हैं, तो सोचते हैं 3,000 रुपये में कोर्स ले लिया मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, टेस्ट सीरीज मैंने ले लिया मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो होता कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होता है ना। तो ध्यान रखें, खासकर मैं बिहार के विद्यार्थियों को यही कहना चाहेंगे कि जो बच्चे BCC के लिए है ना, उनको जो है सही समय पे यहाँ पर आना पड़ेगा, ये नहीं कि आप जो है पता लगा कोर्स निकल चुका है तब आप आ रहे हो,
है ना, बाकी उत्तर प्रदेश के सारे बच्चे मैथ्स और बायो के तो यही है, यूपी के बच्चे कहीं इधर उधर नहीं भटकते, उनको सटीक समय पता रहता है, जो है फॉर्म से लेकर के काउंसलिंग एडमिशन तक की प्रक्रिया तक जो है हम बताते रहते हैं चीज़ों को, है ना। तो सभी लोग शेयर जरूर करिएगा जो मैथ्स और बायो के हैं, विशेष ध्यान दें, घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, पैसे के चक्कर में ही बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, फीस के चक्कर में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, है ना भाई। 1000 रुपये फीस तो एक सब्जेक्ट का देना जरूरी ही है, अगर इससे कम में कोई पढ़ाता है भैया समझ जाइए कि आपके साथ कुछ नहीं करेगा, वही से पढ़ाएगा, है ना, जब फीस नहीं पाएगा तो पढ़ाएगा नहीं, कोई मतलब नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के फीडबैक्स हैं, लेकिन अब सबसे नहीं बात कर सकते हैं, है ना, बट जो है जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि सुविधाएं अच्छी हैं, पढ़ाई अच्छी है, सारी व्यवस्था दी जाती है, पूरा ध्यान दिया जाता है और रिजल्ट पे फोकस किया जाता है। आज संडे हम भी आराम करते है ना, लेकिन नहीं जो है लगता है कि एक दिन और पढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा, फिर अच्छा हो जाएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, है ना। ठीक है बच्चा, जो है पढ़ते रहो, सारे टेस्ट रिवाइज करना, ठीक है, जरूरी है, ठीक है।